नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। SW24 न्यूज चैनल पर नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में इस समय एक विशेष परिचर्चा चल रही है, खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर। और नित नए हमारे पास मेहमान जो आ रहे हैं, उनके विचारों से, उनकी जो भी राय है, उससे जो संघर्ष चल रहा है, एक जन आंदोलन जो खड़ा हो रहा है खरगोन जिला मुख्यालय पर, उसको काफ़ी शक्ति मिल रही, सशक्त हो रहा है वो। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं दो शिक्षाविद। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का परिचय करवाना चाहूँगा हमारे अतिथियों से। हमारे बीच उपस्थित हैं गोकुलदास पब्लिक स्कूल की चेयरपर्सन श्रीमती सरिता महाजन, जो कि कई समाज सेवा के क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। आगे कार्यक्रम में हम वो आपको बताएंगे भी और उन विषयों पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं दूसरे शिक्षाविद डॉक्टर लवेश राठौड़, जो कि KK कॉन्वेंट शहर की एक जानी मानी संस्था है, उससे उसके डायरेक्टर हैं और उसकी स्थापना भी उन्हीं के द्वारा की गई है। सरिता जी, सबसे पहले मैं कार्यक्रम को शुरू करते हुए आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये कोरोना काल रहा, जो कोरोना काल में हमने स्वास्थ्य सेवाओं को काफ़ी नज़दीकी से देखा, उनकी असलियत हमें पता चली, हमने उन तड़पते हुए लोगों को देखा जो स्वास्थ्य संसाधनों को से वंचित थे। सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र को मार इसलिए पड़ी क्योंकि आदिवासी बहुल है, खेतीहर मजदूरों का क्षेत्र है, आर्थिक रूप से विपन्न लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं, चिकित्सा शिक्षा भी उसी से जुड़ा एक मुद्दा है। अगर पहले, जबकि दो बार हमारी मुट्ठी से छूट करके मेडिकल कॉलेज निकल चुका है, ये सौगात अगर पहले हमको मिल गई होती तो क्या इस कोरोना का हम और डटकर मुकाबला नहीं कर सकते थे? सर्वप्रथम तो धन्यवाद आपका, आपने यहाँ पर इस परिचर्चा में बुलाया और हमारे विचारों से अवगत होने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो उन सभी असामयिक जिनका निधन हुआ है, उन सभी के लिए हम एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि कोरोना में कौन कब चला जाएगा किसी को नहीं पता है। किसी के अपने दूर हुए हैं, पराए भी अपने हुए हैं, तो उन सभी को, आत्माओं को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। आपका सवाल था कि यदि 2 साल पहले हमें ये सौगात मिल जाती तो आज ये परिस्थितियाँ नहीं होती। बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही है कि 2 साल पहले आते आते मेडिकल कॉलेज हमारे हाथ से फिसल कर निकल गया, और यदि आज मेडिकल कॉलेज खरगोन में होता, जिला मुख्यालय पर होता, तो जो सैकड़ों जाने गई हैं, असमय जिनके निधन हो गए हैं, वो जाने नहीं जाती, वे बच जाती, क्योंकि मरीज को हम लोग यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे थे, कई सुविधाओं का अभाव है। ऐसे तो कई हॉस्पिटल हैं, हमारे पास 500 बेड का हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, फिर भी कई चिकित्साएं ऐसी है जो उस समय मरीज को ज़रूरत है और नहीं दे पाते हैं। जब डॉक्टर रेफ़र करते हैं तो मरीज कसरावत, धामनोद, मेनगांव तक पहुँचते पहुँचते ही अपना दम तोड़ दे रहे थे। तो मैं यही कहूँगी कि यदि आज हमारे पास मेडिकल कॉलेज होता तो हम लोग इतना दुखी और व्यथित नहीं होते, और हमारे अपनों की जान नहीं गई होती, वो सब शायद हमारे पास होते। सरिता जी, आपने ठीक कहा। वर्तमान में जो स्थिति, काफ़ी पहले से हम देख रहे हैं, देश को आज़ादी के आज 70-71 साल हो गए हैं, लेकिन अगर हम विकास की बात करें खरगोन जिला मुख्यालय को लेकर के, यहाँ के शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास या पर्यटन को लेकर के, हम किसी भी प्रकार रोजगार को लेकर के बात करें, तो काफ़ी यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन वो उच्च शैक्षणिक संस्थान, वो बड़े औद्योगिक कारखाने यहाँ पर, जिनसे रोजगार बड़ी संख्या में निकल कर बाहर आए, बड़े शिक्षा संस्थान जिससे और तकनीकी शिक्षाएँ हमारे यहाँ मिल सके, वो यहाँ पर अभी तक उनकी ज़रूरत महसूस की जा रही, बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही है। डॉक्टर लवेश, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि इतने साल हो गए, इतना अरसा गुजर गया, उसके बाद भी आज हम अगर देखा जाए तकनीकी रूप से, मैं उसमें सारी चीज़ें जोड़ना चाहूँगा, रोज़गार, आर्थिक वगैरह,
हम क्यों पिछड़े रहे, कहाँ कमी रह गई? पांडे जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी शहर का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस शहर ने समय के साथ साथ अपने आप में किस तरीके से परिवर्तन किया है। और बड़ा ही दुर्भाग्य हमारे लिए है कि हम खरगोन शहरवासी इंदौर और खंडवा ये दो बड़े बड़े शहरों के पास में होते हुए भी अपना उस तरीके से विकास नहीं कर पाए जितना हम कर सकते थे। जैसे उदाहरण की बात करें कि यदि आज हम मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, खरगोन शहर में मेडिकल कॉलेज अगर आता है तो आप ये मान के चलिए कि हमारे शहर की विकास की गति किस तरीके से बढ़ेगी, उसको मैं एक एग्जांपल से देना चाहता हूँ। अगर खरगोन शहर में मेडिकल कॉलेज खुलता है तो जैसा कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का प्रश्न है, उनके प्रवेश संबंधी प्रक्रिया का प्रश्न है, 15% सीटें जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटे की होती है। अगर हमारे खरगोन मेडिकल कॉलेज में 15% बच्चे ऑल इंडिया से आते हैं तो खरगोन शहर की पहचान पूरे देश में होती है। ये एक पहला प्रमुख हमारा मुख्य बिंदु हो जाएगा कि खरगोन शहर जो अभी बिल्कुल नेपथ्य में है वो भारत के नक्शे पर एक नाम के रूप में आ जाएगा। दूसरा, प्रदेश भर के भी 85% सीट रहेगी तो प्रदेश भर के बच्चे भी यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आएंगे। जब पूरे देश और प्रदेश के बच्चे खरगोन शहर में आते हैं या आएंगे तो उस स्थिति में उनके रहने से लेकर के पर्यटन से लेकर के अन्य सभी के अवसर खुलेंगे। और जैसे जैसे ये अवसर खुलेंगे, इन अवसरों से हमारे खरगोन शहरवासियों को, खरगोन जिले वासियों को अपने रोजगार बढ़ाने का भी अवसर प्राप्त होगा। तो हमारा यही कहना है कि अगर हम अपने शहर को, आज हमारे यहाँ पर रेल लाइन भी नहीं है तो कई ऐसी सुविधाएँ जो अब तक उनसे हम वंचित हैं, उन सुविधाओं से जब तक हमारे शहर को हम परिपूर्ण नहीं करेंगे, हम विकास की उस रफ्तार में अन्य शहरों के तरह से शामिल नहीं हो पाएंगे, ये मेरा सोचना है। लवेश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे विकास को यहाँ पर देखा जाते हैं जिनके कारण हमारा विकास बाधित पड़ा है, अगर वो उपलब्धता यहाँ होती तो विकास की जो गति होती वो दिन दूनी रात चौगुनी होती। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जनता उस अधूरे विकास के कारण पिछड़ी हुई है। यहाँ के आने वाली पीढ़ी जो है उसको वो सारे संसाधन और विकास के लिए, प्रगति के लिए वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ये सच कहा आपने। लेकिन हम जब ये पहला जो आज मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेके एक संघर्ष देख रहे हैं, एक बड़ा रूप लेते जा रहा है और उसको आज आप भी बैठे हुए, आप भी उस संघर्ष समिति का ही हिस्सा हैं दोनों अतिथि हमारे, और आपके विचार भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। ये संघर्ष, इसके पहले हमारे हाथ से मेडिकल कॉलेज गया, हमारे हाथ से यहाँ पर ट्रेन जो है, रेल का 3 दशकों से सपना देखा गया, कारखानों के लिए हम लड़ाई लड़ते रहे, सब कुछ होते रहा, लेकिन जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर ये चीज़ें रही। अभी भी जो रेल की बात हो रही है वो खरगोन जिला मुख्यालय से कुछ हटके हो रही है। तो बार 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 इस क्षेत्र की जनता के साथ ये धोखा क्यों हुआ? क्या इसके लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो कम, उसकी कमजोरी देखी जा रही? आपकी बात में बिल्कुल वजन है, क्योंकि जहाँ तक शासन से परियोजनाओं को शहर तक लाना ये तो जनप्रतिनिधियों के ही हाथों में है। जनता अपनी आवाज़ उन तक रख सकती है और जनता की वो आवाज़ बनकर उचित माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं, शासन तक पहुंचा सकते हैं, और वहां से उन परियोजनाओं को अपने शहर में ला करके इन शहरवासियों को सौगात दे सकते हैं। उसके लिए निश्चित रूप से न केवल इच्छा शक्ति का बल्कि एक मन में ये भाव होना चाहिए कि हमें अगर सेवा करनी है तो इस प्रकार की सौगात शहर को देना होगी जो एक सच्चे जनप्रतिनिधि को देना चाहिए। सरिता जी, जैसे मैंने डॉक्टर लवेश से पूछा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही, लेकिन हम सिर्फ राजनीति में बैठे हुए हमारे जनप्रतिनिधि उनको दोषी नहीं ठहरा सकते, हम शासन स्तर पर ही दोष नहीं दे सकते। इसके लिए दोष इस क्षेत्र की जनता को भी मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि कमी उनकी इच्छाओं में भी रही, उन्होंने भी एक मजबूत संकल्प नहीं लिया जिसके कारण ये हुआ। देखिए, आज ट्रेन नहीं है, हमारा व्यापार व्यवसाय रोजगार बहुत कुछ प्रभावित हो रहा है, हम जान रहे हैं उसको, लेकिन इस क्षेत्र की जनता को यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, बुद्धिजीवियों ने पूरी तरह से बताया नहीं कि इन चीज़ों की आवश्यकता क्यों है। आज कोरोना आया तो हमें पता चला कि मेडिकल कॉलेज की अगर खरगोन जिला मुख्यालय पर स्थापना होती तो क्या कुछ जुदा होता आज की परिस्थितियों से। आपने जैसे बताया कि सैकड़ों जो जाने गई, हम उसमें काफ़ी कंट्रोल कर सकते, काफ़ी हद तक, बड़ी हद तक हम उन लोगों को बचा सकते, उन परिवारों को हम अपने अपनों से बिछड़ने से हम बचा पाते अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज होता, एक बड़ी चिकित्सकों की टीम होती, संसाधन होते। तो क्या इसके लिए सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति ही जिम्मेदार है? इस क्षेत्र के बुद्धिजीवी और यहाँ की जनता
क्या वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है कि आज भी विकास खरगोन जिला मुख्यालय से बहुत दूर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए उन्होंने संघर्ष नहीं किया। जब जागो तब सवेरा, आप लोगों की टीम ने, ये जो संघर्ष सेवा समिति ने संघर्ष शुरू किया है, तो मैं इस मंच से यही कहूँगी कि अब मेडिकल कॉलेज क्या, यहाँ पर एग्रीकल कॉलेज, रेलवे लाइन, और यहाँ की जनता जो चाहती है, जनता की इच्छा शक्ति जिंदा हो चुकी है और जो जनता चाहती है वो यहाँ पर आएगा और हमारे ज़िले के विकास को अब कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो राजनीतिक लोग हो या किसी भी प्रकार के लोग हो। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम आज यहाँ पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमने पेपर्स यहाँ तक तैयार किए हैं, खरगोन जिला मुख्यालय तक। हमें यह भी देखने की ज़रूरत है कि हमारे द्वारा जो जानकारी आगे जा रही है वो सही जगह पर पहुंच रही है या नहीं, क्योंकि हमने खरगोन ज़िले में तो इतना ताबूत खड़ा कर दिया है कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज होना ही चाहिए और ये संघर्ष हमें मेडिकल कॉलेज लाकर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन भोपाल और दिल्ली तक हमारी बात क्या वास्तविकता में पहुंच रही है, हमें यह भी देखना होगा। सही कह रही हैं आप, क्योंकि संघर्ष जो है, अगर संघर्ष सही रास्ते से भटक जाता है तो वो संघर्ष का जो लक्ष्य प्राप्ति का जो समय है या वो उद्देश्य है उसकी पूर्ति काफ़ी देर से हो सकती है, कभी कभी संघर्ष डीरेल भी हो जाता है इन चीज़ों को लेकर। तो सकारात्मकता और वो पूरे संसाधनों की उपलब्धता बहुत ज़रूरी है। तो आपको, आप सरिता जी, आपने यही कहा कि पूरी तैयारी के साथ इस संघर्ष में जुटें और आपका विश्वास भी है कि निसंदेह सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे मैम, आप एक गोकुलदास पब्लिक स्कूल, जो इस क्षेत्र का, जिला मुख्यालय के आसपास जो हम क्षेत्र देख रहे हैं, उस क्षेत्र का एक सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान है और आप चिकित्सा शिक्षा, आपके यहाँ के जो बच्चे हैं आपके यहीं पे नीट जो मेडिकल टेस्ट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भी करवाते हैं और काफ़ी बच्चे आपके यहाँ से निकल के आज राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेजेस में शिक्षा ले रहे हैं, कैसे आप कर पाते हैं? और सबसे पहले जो विचार, क्योंकि एक औद्योगिक परिवार से भी जुड़े हैं आप और ज़्यादातर यही विचार रहता है कि उद्योगों में बड़े कारखाने लगा लें, ये लगा लें, आखिर शिक्षा क्षेत्र की ओर क्यों मुड़ी? और आप जो शिक्षा, मेडिकल शिक्षा में संभावना देख रहे हैं इस क्षेत्र के बच्चों की, वो किस हद तक है? शिक्षा क्षेत्र से क्यों जुड़ी, ये तो क्या दिल की बात थी कि यहाँ के बच्चों को कुछ दे पाए। व्यक्ति को दुख तब होता है जब अपना बच्चा दूर जाता है और बस वही बात मुझे सता रही थी कि अपने बच्चों को क्यों हम दूर भेजकर पढ़ाई करवाएं? क्या वो सारे संसाधन, क्या वो सारी सुविधाएं हम इस खरगोन शहर में नहीं दे सकते? सही, और मैं रोकना चाहूँगा आपको, यहाँ के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं वो उस चीज़ को अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं और उस कमज़ोरी के कारण बहुत से बच्चों का भविष्य यही दबा रह जा रहा है। बस इसी विचार को लेकर कि खरगोन का पैसा खरगोन में ही रहे, क्योंकि बच्चे जब बाहर जाते हैं तो माता पिता बहुत आर्थिक तकलीफ से गुजरते हैं और उन्हें बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है, तो वो बचत कहीं ना कहीं हमारे शहर की बचत होगी, तो ये होगा हमारे शहर का आर्थिक विकास कि शहर का पैसा शहर में है। अब जब बच्चा माँ बाप के पास रहता है तो अपने संस्कारों से भी दूर नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो अपनी संस्कृति और संस्कार से जुड़ कर रहता है और माँ बाप की निगरानी में रहता है। बच्चे बाहर जाते हैं, कई संभावनाएँ होती है कि वो जिस उद्देश्य से माँ बाप ने भेजा था उस उद्देश्य को छोड़कर वो गलत राह पर चल देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बच्चा ऐसा करता है, पर कई बार बच्चे गलत राह पकड़ लेते हैं। तो इन सब संभावनाओं को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने स्कूल की शुरुआत की थी और उसी उद्देश्य को लेकर कि बच्चा नर्सरी से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा खरगोन में प्राप्त कर ले, इससे अच्छी बात तो शायद कोई होगी ही नहीं। यदि हमारे शहर में मेडिकल कॉलेज आ जाता है तो हम लोगों को, जो बच्चे नीट क्लियर कर रहे हैं, यदि उन्हें खरगोन का ही कॉलेज मिल जाता है तो माँ बाप के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात तो होगी ही नहीं कि बच्चा नर्सरी से लेके कॉलेज तक की शिक्षा उसने अपने पास ही प्राप्त की है।
डॉक्टर लवेश, बहुत अच्छी बात बोली सरिता जी ने कि अगर स्थानीय स्तर पर ही वो संसाधन मिल जाते हैं तो इस क्षेत्र के कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं वो भी आज चिकित्सा जैसी महंगी जो शिक्षा है उसमें स्थानीय स्तर पर ही जा कर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। और आपने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विश्लेषण किया है, कई आपने थीसिस लिखे हैं। लवेश जी, अभी हम एक कार्यक्रम में ही चर्चा कर रहे थे तो बताया ये गया कि मध्य प्रदेश में जो 100% जो भी सीटें हैं चिकित्सा शिक्षा की उसमें इस समय निमाड़ क्षेत्र के 30% बच्चे सफल हो रहे हैं वो मेडिकल टेस्ट में और कॉलेजेस में वो जाकर के MBBS की तैयारियां कर रहे हैं। आपका जो अध्ययन रहा, एक अच्छे टीचर रहे आप, आपके टीचिंग की यहाँ पर क्षेत्र में तारीफ है और आज एक अच्छे एक शिक्षा संस्थान के इंस्टीट्यूट का आप संचालन भी कर रहे हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक भी हैं आप, तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं 100 में से 30, ये आंकड़ों में हम कितनी वृद्धि कर सकते हैं और क्षेत्र का जो भी स्थिति है उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। क्या जनप्रतिनिधियों को ये स्थिति दिखाई नहीं देती? कहने को तो कहते हैं आदिवासी बहुल जिला है, बहुत सारे हमारे यहाँ आदिवासी रहते हैं, जो बाहर से नेता या हमारे जो भी बड़े आते हैं वो मंचों से खड़े होकर के उस दशा को लेकर के दुख भी व्यक्त करते हैं, लेकिन ये दुख जो है ये सही रूप से धरती पे उतर करके उनके लिए संसाधन का रूप कब लेगा और क्यों नहीं ले पा रहा है? देखिए, ये आपके सवाल में दो प्रकार के जवाब हैं, एक राजनीतिक पुट भी है और एक बच्चों का भी उसमें समावेश है। तो आपने ये सवाल जो मुझसे पूछा है, मैं पहले उसमें पहला वाला हिस्सा जो आपका था कि बच्चों को किस तरीके से हम उसमें जोड़े मुख्य धारा में, तो देखिए खरगोन में जैसे एक हम मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज अगर खरगोन में आता है तो आप ये मान के चलिए कि इस कॉलेज में देश के अच्छे नामी गिरामी प्रोफेसर्स का आना शुरू होगा जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े होंगे। जब वो यहाँ पर आना शुरू होंगे तो उनके मार्गदर्शन से हमारे शहर के हमारे ज़िले के बच्चे बिल्कुल लाभान्वित होने लगेंगे। जब वो यहाँ होंगे तो शासन के हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनका ये परम दायित्व बनता है कि उन आए हुए योग्य शिक्षकों से कैसे हमारे बच्चों का हम अतिरिक्त रूप से फ़ायदा दिलवाएं। हम ये भी कर सकते हैं कि जो चिकित्सक बाहर से आएंगे उनके लिए कक्षाएं लगवाएं बच्चों के लिए, और ये जो अनुभवी शिक्षक हैं, जो योग्य शिक्षक हैं जिन्होंने आज मेडिकल कॉलेज में अपनी अध्यापन को आरम्भ किया है, वो लोग अगर बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको बताएंगे कि किस तरीके से नीट एग्ज़ाम की तैयारी होती है, क्योंकि हमारे बच्चों का जो 30% रिजल्ट आया है वो भी 30% वो बच्चे होते हैं जो बाहर जाकर के पढ़ते हैं, रहते खरगोन के हैं, कहने वाले खरगोन के होते हैं लेकिन वो अध्ययन उसके लिए बाहर जाके करते हैं। अगर हम खरगोन शहर में रह करके नीट एग्ज़ाम की बात करें तो बहुत कम प्रतिशत बच्चे ऐसे होंगे जो सफल हो पाएंगे। वो बच्चे, उनमें टैलेंट होता है लेकिन उन्हें नीट एग्ज़ाम की तैयारी की गाइडलाइन ही पता नहीं होती है और वो परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं। जब हम यहाँ पर एक ऐसा वातावरण तैयार कर देंगे तो जनप्रतिनिधि चाहें तो एक अच्छी तरीके से इसको व्यापक रूप में शासकीय स्कूलों में या जो भी वो संस्थान खोले वहाँ पर उन कॉलेज के प्रोफेसर से बच्चों को पढ़वाना आरंभ करेंगे तो हमारे जो योग्य बच्चे होंगे वो बिल्कुल वो भी नीट क्लियर करने लग जाएंगे और उससे हमारे खरगोन शहर का नाम भी रोशन होगा। साथ ही साथ केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, साथ में जो अन्य छोटे कोर्सेज होते हैं जैसे पैरामेडिकल होता है, पैथोलॉजिकल टेस्ट के टेस्ट होते हैं, DMLT टेस्ट होते हैं, बी फार्मेसी होता है, एम फार्मेसी होता है, ये अन्य क्षेत्र में भी सौगातें शहर को मिलने लगेंगी और हमारा शहर चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक मुकाम हासिल कर पाएगा। ये सार्थक बहस आगे भी जारी रहेगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए AW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो। मैं जो खरगोन में अभियान छेड़ रखा है मेडिकल कॉलेज खोलने का, इसमें ये मानूंगा कि थोड़ा देर कर गए हम लोग, मेरी तन मन धन से इस संगठन को समर्थन है और मैं चाहूँगा कि किसी भी कीमत पे हर हाल में मेडिकल कॉलेज चाहिए, उसके लिए मैं मेरी तरफ से सर्वस्व योगदान देने के लिए तैयार हूँ। खरगोन नगर में मेडिकल कॉलेज सिर्फ खरगोन ही नहीं पूरे ज़िले की जनता का अधिकार है और इस आंदोलन के साथ हैं। जब तक मेडिकल कॉलेज खरगोन में शुरू नहीं होता मैं सक्रिय रूप से इस आंदोलन के साथ हूँ। खरगोन जिला मुख्यालय पर कॉलेज का होना अति आवश्यक है। हम लोग क्षेत्र के लिए आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सभी से निवेदन है, हम लोगों ने अगर ठाना है, हमने संकल्प लिया है, आम जन भी संकल्प ले,
खरगोन मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज होना मतलब होना। क्षेत्र के विकास के लिए खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की नितांत आवश्यकता है और खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खुलेगा, यह हम सबका संकल्प है और हम संकल्प के साथ ये कहते हैं कि खरगोन जिला मुख्यालय पर हम मेडिकल कॉलेज लेकर आएंगे। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का हम पुनः स्वागत करते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं खरगोन शहर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर। हमारे बीच जो अतिथि उपस्थित हैं, डॉक्टर लवेश राठौड़, के कॉन्वेंट के संचालक और वरिष्ठ शिक्षाविद हमारे बीच उपस्थित हैं, गोकुलदास पब्लिक स्कूल की चेयरपर्सन मैडम सरिता महाजन, दोनों ही अपने क्षेत्र के धाकड़ हम अगर कहें व्यक्तित्व हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि क्षेत्र को शिक्षा और दूसरी जो भी सुविधाएं हैं उनमें उनके जो विचार और उनके जो भी समय समय पर उनकी सलाह रही हैं वो काफ़ी काम दी हैं। और आज शिक्षा के क्षेत्र में हम जो भी प्रगति देख रहे हैं, भले वो हायर सेकेंडरी लेवल तक की है, लेकिन उन छोटे छोटे परिसरों में आज प्रदेश और देश इस राष्ट्रीय स्तर के जो छात्र छात्राएं निकल रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धता है। समय चल रहा है कोरोना का, कॉलेज की मांग जोर पकड़ती जा रही है, तीसरी लहर है वो हमारे सामने खड़ी हुई है, कब आती है ये निश्चित नहीं है। हमने देखा है अमेरिका जैसे जो शक्तिशाली देश रहे, कोरोना की तीसरी और चौथी लहर ने उनको भी झकझोर दिया। एक बड़ी जनसंख्या है इस देश की, उस स्थिति में लवेश जी वर्तमान में जो तीसरी और चौथी लहर की बात की जा रही है, हमारे देश में उसका क्या व्यापक असर हो सकता है और हम उससे किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं? देखिए, ये जो अभी लहर चल रही है कोरोना की, इसमें सरकार के द्वारा हमेशा ये बात कही गई है कि ये जो बीमारी है इससे बचना, इस महामारी से बचने के लिए हमें मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। क्योंकि जहाँ तक मेडिकल का सवाल है तो मेडिकल इमरजेंसी तो मिल जाती है, लेकिन इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाया है। वैक्सीन ज़रूर आई है, वैक्सीन को भी लेकर के हमारी देश में जागरूकता बढ़ रही है, लोग वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो पाता और इस बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, तब तक बचाव के लिए तो हमें मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा और इसे जनता में पहुंचाना भी होगा। और जनता की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी रक्षा स्वयं भी करने के लिए प्रेरित हो और मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करे, ये मैं चाहता हूँ जनता से। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि ये जो भी अवेयरनेस को लेकर के प्रचार किया जा रहा है शासन के द्वारा, निजी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ये जो हम भारत गांव का देश है और ग्रामीण स्तर तक इसका प्रभाव या उसका अनुपालन करवाने के जो प्रयास हैं वो काफ़ी कमतर महसूस हो रहे हैं। देखा जाए तो हमारे पास वो जैसे सुरक्षा बल की बात करें हम, तो पुलिस थानों पर पुलिस की संख्या कम है। कहीं ना कहीं इस समय जो कड़े आदेश हैं, निर्देश हैं, उन्हीं से हम इनका अनुपालन करवा सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा या समझदारी का एक अभाव हम देख रहे हैं कोरोना को लेके, पूरी तरह से मतलब उनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं है कि आखिर ये वायरस जो है उनको कितना क्षति पहुंचा सकता है और उस एक व्यक्ति के संक्रमित होने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये जो कमी है इसकी पूर्ति कैसे की जाए? भैया, मानते काफ़ी कमी है, जनसंख्या का एक बड़ा स्तर है, लेकिन कैसे, आपने जैसे कहा कि मास्क पहन सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर कौन करेगा ये? अब ग्रामीण स्तर पर तो जो है ग्राम पंचायत हैं और जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं गाँव के, उन लोगों का साथ ही साथ वहाँ पर जो सुशिक्षित लोग हैं जो जन जागृति अभियान चला सकते हैं और वहाँ के लोगों को समझा सकते हैं कि आखिर ये क्यों ज़रूरी है। और जैसा कि देखा अभी हमने, एक सीधा सीधा सुखद परिणाम देख लें कि हमारे देश का, हमारे शहर का एक महापूर्व जो हाल था और हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग रखी, लॉकडाउन लगाया, उसके बाद में केसेस में भी कमी आई है और
होने वाली मौतों की संख्या में भी बहुत तेज़ी से कमी आई है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं एक हमें अनुशासित ज़िंदगी जीने की आवश्यकता आन पड़ी है, और वो अनुशासित ज़िंदगी ऐसी ही है, मास्क लगाया जाए, सैनिटाइज़र यूज़ करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपने बात कही है वो निश्चित रूप से अशिक्षा उसका एक मुख्य कारण है। वहाँ तक अभी तक हमारी अगर बात नहीं पहुँचती है तो जनप्रतिनिधियों का ये परम दायित्व बनता है, प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि वो हर माध्यम से, हर तरीके से जनता को प्रेरित करे और उन्हें समझाए, उन्हें बताए कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। आपको स्वयं जागना पड़ेगा। हम सभी दर्शकों से भी यही अनुरोध करेंगे कि वो अपने आसपास लोगों को ये समझाएं कि आपको स्वयं शिक्षित होना पड़ेगा। कोरोना के संबंध में काफ़ी कुछ बताया जा चुका है समाचार माध्यमों के द्वारा, टीवी के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा, एनजीओस के द्वारा, आंगनवाड़ी के द्वारा, काफ़ी बड़े क्षेत्र को समझाया जा चुका है। लेकिन अब ज़रूरत है कि आप स्वयं इस बात को समझें, जैसे कि हमने पहले कहा कि ये सिर्फ आपकी जान का प्रश्न नहीं है। आप अगर संक्रमित होते हैं आपकी अज्ञानता से, तो आप एक बड़े वर्ग को प्रभावित कर सकते हैं, और ये हमारी जो भी प्रगति है, हमारा जो भी इस समय जो त्रासदियाँ चल रही हैं उनको और बढ़ा सकते हैं हम। तो ज़रूरी है कि हम स्वयं जागरूक हों। मैं फिर से मुड़ूंगा उसी मुद्दे पर, मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर। सरिता जी, अभी हम देख रहे हैं कि इस संघर्ष समिति में महिलाएं भी धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं। खरगोन निमाड़ क्षेत्र की ही हम बात करें तो हमने देखा कि राजनीतिक दल जो मीटिंग्स करते हैं या जो भी उनकी पब्लिक मीटिंग होती है उसमें काफ़ी संख्या में महिलाओं की भी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन जब बात आती है जन आंदोलन की, तो ये उत्सुकता उस समय हम महिलाओं में पैदा क्यों नहीं कर पाते? महिलाओं का एक बहुत ही छोटा, एक सीमित संख्या हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल ये देखने में आ रहा है कि महिलाएं धीरे धीरे इस ओर जुड़ रही हैं, लेकिन अभी भी इतना समय बीत जाने के बाद संख्या काफ़ी कम है। ऐसा क्यों कर हो रहा है? मुझे लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन हमारी महिलाएं, शहर की महिलाएं काफ़ी शिक्षित हैं। मैं स्कूल से जुड़ी हूँ तो मुझे पता है कि पिता से ज़्यादा माता जागरूक है, और उसका ही सपना होता है कि मुझे अपने बच्चे को क्या बनाना है, उसके आगे भविष्य के लिए क्या करना है। तो महिलाएं इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, वो बाहर नहीं आ रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो नहीं जुड़ी है, वो अंतर्मुखी होकर इस आंदोलन से जुड़ी हुई है। इसलिए हम इस भ्रम में ना रहें कि महिलाएं इस आंदोलन से नहीं जुड़ी है। वो जब भी ऐसा मौका आएगा तो वो अपना कदम बाहर निकालेगी और प्रत्यक्ष रूप से हम सभी के समक्ष आएंगी। एक बात और कहना चाह रही हूँ मैं पांडे जी, कि आपने अभी ग्रामीण लोगों के लिए कि हम ग्रामीण गांवों तक कैसे हमारी बात को पहुँचाएँ कि कोरोना से कैसे बचा जाए, तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं एकल अभियान के अंतर्गत एकल विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ, और एकल अभियान सिर्फ खरगोन या मालवा, निमाड़ मालवा का नहीं है, ये पूरे देश में है। और एकल अभियान के अंतर्गत पूरे देश में 1,00,000 स्कूल चलते हैं, और वहाँ पर महिलाएं इस काम को कर रही हैं कि वे महिलाओं की डॉक्टर लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, आयुर्वेद से जुड़े लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, और फिर हर अंचल में, संभाग में माँ बना दी गई है कि आपके जिम्मे ये गांव है, और वो महिलाएं उन गांवों में मोबाइल के द्वारा अपनी सारी जानकारी प्रेषित कर रही है कि आपको कोरोना से कैसे बचना है और कैसे अपने परिवार को बचाना है। बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर लवेश। हम ये देख रहे हैं कि देश की जनता को कोरोना महामारी से बचाने के लिए हमने कई अपने फ्रंटलाइन वॉरियर खो दिए हैं, उसके बावजूद भी वो पूरी शक्ति से इस कार्य में लगे हुए हैं। आज जान सभी के लिए कीमती है, चाहे वो एक आम व्यक्ति हो, चाहे एक चिकित्सक हो। हम जब शासन की ओर मुड़ करके देखते हैं कि उन कोरोना वॉरियर्स या जो भी नर्सेस वगैरह, जो भी मेडिकल स्टाफ इस सेवा में लगा हुआ है, वो आज भी मंत्रियों की गाड़ी रोक करके एक अदद नौकरी की परमानेंट
नियमित सेवा के लिए वो मांग कर रहा है। इसके पहले भी यहाँ पर कुछ लोगों को रखा गया था, नर्सेस को, वार्ड बॉय को, स्वीपर्स को। जब कोरोना काल ख़त्म हुआ उनको निकाल दिया गया, वो आंदोलन करते रोते बिलखते अपने घरों की ओर चले गए। एक बार फिर से कोरोना की लहर आई दूसरी ओर, शासन को फिर उनकी ज़रूरत पड़ी, उनसे फिर बुलाया गया, उनसे फिर बातें की गई, वो फिर बेचारे सेवा में आके लग गए। आज यह हालत है कि वो एक बार फिर से जनप्रतिनिधियों की गाड़ियों का घेराव कर रहे हैं, उनसे फिर वो मांग कर रहे हैं कि हमको सेवा में रखा जाए। तो क्या आप ये नहीं मानते कि आने वाली तीसरी लहर की बात हो रही है, चौथी लहर की बात हो रही है? हमारे पास मेडिकल संसाधन तो ठीक, मेडिकल स्टाफ जो सबसे ज़्यादा है, अगर अब हम दवाएं भी ले आएंगे, हम वैक्सीनेशन भी ले आएंगे, आज हम वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी है, हम उतने सेंटर्स भी नहीं डाल सकते। और अगर वो सेंटर्स पर काम करेंगे तो मुख्य चिकित्सालयों में या स्वास्थ्य केंद्रों में कौन काम करेगा? इस स्थिति में शासन ने क्या ये ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत फुरंत इनके पक्ष में निर्णय लेकर के संख्याओं में वृद्धि करें ताकि हम आने वाली जो भी स्थिति है उससे निपट सकें? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। और जैसा हमने देखा है कि विगत माह जब हालात बेकाबू हो गए थे और तब अचानक हमें ऐसा लगने लगा कि देश में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बहुत कम पड़ रही है मरीजों की तादाद की तुलना में, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने आनन फानन में, जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, उन्होंने जूनियर डॉक्टर्स को अपॉइंट किए, जो फोर्थ ईयर के डॉक्टर्स थे उन लोगों ने मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करके हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देना शुरू की। जो नर्सिंग कोर्स कर रही थी लड़कियां, उन्हें नर्सेस के स्टाफ के रूप में उतारा गया शासन के द्वारा। लेकिन ये सब चीज़ें अस्थायी तौर पर की गई। और आप बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को इसी महामारी के दौरान केवल अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा तो कौन व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी वहाँ लेना चाहेगा? तो शासन को निश्चित रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर मान लीजिए तीसरी या चौथी लहर बड़े रूप में आती है और ये परिस्थितियाँ और विकराल हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में तो फिर अगर स्वास्थ्यकर्मी नहीं होंगे तो आप कैसे काबू कर पाएंगे? तो संविदा वाले जो स्वास्थ्य कर्मचारी रखे गए थे उन्हें भी पहले हटा दिया गया था। तो हमारा ये सोचना है कि हमारी जो बुनियादी आवश्यकताएँ हैं, जो मूल कर्मचारी हैं स्वास्थ्यकर्मी, उनको निश्चित रूप से नियमितीकरण उनका भी हो जाना चाहिए और उनको जब सुरक्षा की गारंटी होगी तो वो हमारी अच्छी तरीके से सेवा कर पाएंगे। और शहर में हो, प्रदेश में हो या देश में हो, स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध होती रहेंगी। मतलब जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र की बात करें, खरगोन जिला मुख्यालय की बात करें, तो हमारे पास चिकित्सकों तक की कमी है। हम हर स्तर पर जाकर के देखते हैं, स्वीपर से लेकर चिकित्सक तक स्तर पर जाकर देखते हैं, हर जगह स्टाफ कम है। उस स्थिति में हम ये जो कोरोना की जो भी लहरें आ रही हैं हम उनको कैसे झेल पाएंगे? क्योंकि जब सबसे ज़रूरी है कि उसके लिए आवश्यक संसाधन हो। पहला तो यही है कि चिकित्सा स्टाफ, जैसे कि मैंने बात करी कि अभी हम अगर बात भी करते हैं कि अलग अलग हम सेंटर्स खोलें, वहाँ पे वैक्सीनेशन हो या बहुत हो, ये हो, लंबी लंबी लाइनें लग रही, कारण उनका यही कि हमारे पास स्टाफ है नहीं, वैक्सीन भी कम है। बहुत समय बाद लोगों को ये पता चला कि वैक्सीन जो है कोरोना के लिए कितना कारगर है, कितनी सुरक्षा वो दे सकता है। हालांकि ये पूरी तरह, इसको हम जीवन रक्षक भी नहीं कह सकते, लेकिन आने वाली जो त्रासदियाँ हैं, आज जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, रेमडेसिविर की आवश्यकता महसूस हो रही है, ये वैक्सीनेशन के बाद सामान्य तरीके से कोरोना के मरीज को स्वास्थ्य दे दिया जाएगा, वो स्वस्थ हो सकेगा, इसका ये फायदा है। और आने वाले समय में भी जो स्थितियाँ बनेगी तो वैक्सीनेशन पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। हम यहाँ पे कार्यक्रम के अंत में हमारे चेयरपर्सन गोकुलदास पब्लिक स्कूल सरिता महाजन जी से हम एक अंतिम सलाह पूछना चाहेंगे कि वो संघर्ष समिति को ध्यान में रखते हुए एक बात कहें जो उसमें समन्वय और अनुशासन दोनों को बनाए रखें। एक शिक्षाविद होने के नाते ये दोनों आपके हिस्से की चीज़ें हैं, और बच्चे हो, सबसे पहले बच्चे हो या बड़े हो, हर संगठन का एक नियम है कि अनुशासन और समन्वय, ये उसमें हो। बिल्कुल, अनुशासन और समन्वय दोनों चीज़ होना ही चाहिए। और जो ये समिति काम कर रही है वो बहुत ही प्रशंसनीय काम है। और इस समिति के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया, उसी के बाद ये जन जन तक पहुँचा है और ये अब जन आंदोलन का रूप लेने लगा है। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहें, सारी महिलाएं आपके साथ होगी, ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं आ रही तो नहीं साथ में हैं। महिलाएं ही अपने बच्चों का भविष्य देखती है, तो सारी महिलाएं आपके साथ होगी। महिलाएं नहीं, मैं ये कहूँगी कि पूरा खरगोन जिला
संघर्ष समिति के साथ है और ये संघर्ष ही हमें जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज लाकर देगा। आप ये सोचिए कि यदि मेडिकल कॉलेज आज होता हमारे यहाँ तो तीसरी वेव के लिए हमें नर्सेस और डॉक्टर को बच्चों को बचाने के लिए ट्रेनिंग के लिए इंदौर भेजने की बात नहीं आती, क्योंकि आज ही पेपर में आया है कि अब बच्चों को बचाने के लिए जो कि हमारी धरोहर है, हमारी असेट्स है, तो उनके लिए तो हमें पर्याप्त स्टाफ भी चाहिए और पर्याप्त ट्रेनिंग भी चाहिए। तो उनके लिए यही कहा गया है कि हम डॉक्टर एवं नर्सेस को बाहर भेजेंगे। तो हम पहले तो ईश्वर से कामना करते हैं, जैसे लवेश सर ने बताया कि दो गज की दूरी, मास्क जरूरी, इसका पालन करें, बच्चों को भी इन चीज़ों के लिए समझाएं और इस महामारी को हमारे शहर में ना आए। हम सब ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करें और बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और वो सुरक्षित रहे और घर पर रहे। हम तो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चे आए और उनकी किलकारियों से हमारे शहर के सारे स्कूल गूंजे। हमारा भी यही मानना है कि SW24 न्यूज़ मध्य प्रदेश के मंच से हम वो चीज़ें आप दर्शकों तक पहुंचाएं, उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं, ताकि इसमें स्थापना को लेकर जो भी एक विचार बन रहे हैं वो बहुत जल्दी स्वीकृति की ओर अग्रसर हों। डॉक्टर लवेश राठौड़, मैं आपसे कार्यक्रम के अंत में यही पूछना चाहूँगा, एक अपील, क्यों ना सभी राजनेता एक मंच पर इकट्ठा होकर इस पूरे संघर्ष का पटाक्षेप कर दें, क्यों ना जैसे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने उज्जैन में अभी एक मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया है, वो यहाँ भी भूमि पूजन की घोषणा करके इसका पटाक्षेप कर दें और आम जनता में जो उनकी छवि है वो और निर्मल हो। बिल्कुल सही बात आपने कही है, और चूँकि ये खरगोन की जनता की इच्छा है और जनता के आगे सब सर झुक जाते हैं, सारे प्रतिनिधि जनता की ही सेवा के लिए होते हैं, वहाँ कोई किसी प्रकार का राजनीतिक दल नहीं होता है, तो सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि मिल करके अगर सामूहिक रूप से खरगोन में मेडिकल कॉलेज की बात रखते हैं, सशक्त रूप से रखते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है, एक आम नागरिक होने के नाते मैं ये विश्वास रखता हूँ कि सारे जनप्रतिनिधि शासन से अपनी बात रखेंगे, जनता की भावनाओं का आदर करेंगे और जो हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय हैं वो भी जनता की और जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का आदर करते हुए खरगोन शहर को शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे, ऐसी मैं उम्मीद और आशा रखता हूँ। आज तक की जो चर्चाएं हुई हैं SW24 न्यूज़ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर, उनसे हम उनको देखते हुए हम उनको सुनकर हम यही कह सकते हैं कि मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही समय बाद ये इंतज़ार समाप्त होगा, लेकिन उस तब तक के लिए ज़रूरी है कि संयमित होकर के हम संघर्ष को आगे बढ़ाते रहें और निसंदेह जब जन आंदोलन खड़ा होता है तो वो एक बहुत ही सुखद लक्ष्य पर जाकर समाप्त होता है। हम भी यही चाहते हैं कि यह आंदोलन सफलता तक शीघ्र पहुँचे और राजनेता हों, बुद्धिजीवी हों या जनप्रतिनिधियों, सभी मिल करके एक राय होकर के जल्द से जल्द खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर स्वीकृति प्रकट करें, स्वीकृति लेकर के आएँ। आज के कार्यक्रम में हमारे अतिथि शामिल हुए डॉक्टर लवेश राठौड़, सरिता महाजन जी, हम आप दोनों का चैनल की ओर से धन्यवाद देते हैं। आगे आने वाले कार्यक्रमों में इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज स्थापना पर परिचर्चा चर्चाओं का दौर जारी रहेगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी।